मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल देख के तो समझ के होगी कि क्या है। नहीं समझे, अभी चलते हैं नीचे गाड़ी में, फिर आपको बताते हैं। हाँ चलो भाई, भैया आए थे, क्या सफाई करके गए वो तो मेरे को दिख रहा है। कोई बात नहीं, आज हमारा खुशी का दिन है, आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। क्यों बताता हूँ, बैठने तो दो भाई गाड़ी में, गर्मी है। आज खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज हम अपनी लैंड क्रूज़र LC 300 को घर ला रहे हैं। अब ये व्लॉग शायद आप डिलीवरी के बाद देख रहे हो, बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड कि डिलीवरी के पहले ये व्लॉग जाए और फिर वो एक्साइटमेंट डिलीवरी वाली ना मिस हो। बट हम उस गाड़ी को कैसे लेके आए आज के दिन में, आपको वो बिहाइंड द सीन दिखेगा। हाँ, क्योंकि उस गाड़ी को लाने के लिए ना भाई बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत, मतलब इतनी जितनी बार भी वो गाड़ी दिखी ना, अपना विल पावर, अपनी मेहनत और इंक्रीज़ की है। तब जाके कितने की गाड़ी पड़ी, क्या पड़ा, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपको पता चलेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो बतानी है भाई, इंडिया में लैंड क्रूज़र की ऑफिशियल बुकिंग बंद है। बंद है मतलब कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी कुछ नहीं पता। पहले दो महीने मैं इस गाड़ी के लिए ना इंतज़ाम करने के लिए कि भाई कहीं से मुझे नई गाड़ी मिले। एंड लोगों ने इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो है 2,50,00,000 के करीब है और लोग उस पर 40,00,000 रुपये प्रीमियम मांग रहे थे। पहले जब स्टार्टिंग में ना तो मैंने कहा नहीं यार, इतना प्रीमियम नहीं। बाद में मैं 40,00,000 रुपये प्रीमियम के लिए भी अग्री कर गया था कि भाई 2,90,000 की पड़ेगी मेरे को गाड़ी, विच इज़ ओके, बट मेरे को नई गाड़ी चाहिए। भाई पूरे घोड़े खोल लिए, नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टर मिले कि हम गाड़ी इम्पोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ से वहाँ से, बहुत सारे लोग भाई सब ने हाथ ही खड़े किए। और उस केस में अपना बैंक का लोन नहीं होता और सारा जो पेमेंट है ना वो मेरे को करना पड़ता। वो भी मैंने पता कर लिया था कैसे पेमेंट होगी क्या होगा, और उसमें वेट करना पड़ता पता नहीं कितना, आता नहीं आता, कौन सा बंदा सही है, फिर रजिस्टर कैसे होती, नंबर कैसे चढ़ता, बहुत इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज। अब देखो लाइफ में ना चीज़ें सॉर्टेड रहे ना तो बहुत ज़्यादा सही है। बाकी इस वजह से मैंने ये न्यू गाड़ी लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। तो आप बोलोगे कि भाई तो फिर आपने ये वाली गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, वो तो अभी आपको दिखाएंगे ना। हाँ, गाड़ी शायद आपने ऑलरेडी देख ली है, बट ये तो आपको दिखाएंगे कि भाई गाड़ी चली कितनी हुई है, किस कंडीशन में है और हमें कितने की पड़ी। अभी चलते हैं सीधे ऑफिस, आज बहुत काम है। गुड मॉर्निंग भैया, ऑफिस। हाँ गुड मॉर्निंग जी, एक्साइटिंग डे टुडे, वेरी एक्साइटेड यार, कल रात में नींद नहीं आई मेरे को। आप तो ड्राइव भी कर रहे थे ना कल रात? हाँ कल रात में तो ड्राइव भी कर रहा था और उसके बाद भी नींद नहीं आई। ओहो, टोयोटा की प्रॉब्लम, बम्पर। अब ये गाड़ी आगे करते यार, ये पर ऐसी गलत गाड़ी कौन लगाता है यार, पंचर कर देगा। अरे मेरी ही है। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, चेकबुक वगैरह कलेक्ट करना है, कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं और उसके बाद फिर अपन यहाँ से सीधे निकलेंगे गाड़ी लेने। आज सबको बहुत खुशी है, खुशी देखो लड़के की। कल ही से हो रही थी, अब कॉस हो गई यार इतने, मतलब मैं वही बोल रहा था कि इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, मतलब कहाँ। लास्ट 3 महीने से मेरे पास जो कस्टमर भी आए ना, मैं उनसे ही पूछता था कि आपके पास कोई जुगाड़ है तो बता दो। बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, बीच में ना मैं था नहीं, मैं जयपुर गया हुआ था, बट काफ़ी डिफेंडर, जीप कंपास, ऑडी, BMW, मर्सिडीज़, तीनों हैं और हम अपनी फॉर्च्यूनर से अभी जा रहे हैं। ओके गार्ड भैया, मिलते हैं नई गाड़ी के साथ। अभी हम सबसे पहले चलेंगे घर, क्योंकि ना एक्सिस बैंक का NOC आया हुआ है। अब क्या है ना कि अपने LC पे भी, LC 300 पे 0003 आएगा और उसके लिए मैंने ना वो वाला लोन क्लोज कर दिया था अपना BMW वाला, ठीक है। अब BMW रहेगी जाएगी वो तो अभी कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा, उसका लोन क्लोज कर दिया था, वही नंबर अपने LC पे आएगा, क्योंकि एक एडिशनल नंबर, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर BMW रखने का प्लान हुआ, अभी तक तो फिलहाल प्लान ऐसा है नहीं, ठीक है, कोई अच्छा बायर मेरे को मिल जाए कन्फर्म्ड वाला, क्योंकि भाई ऐसे तो मैं बेचूंगा नहीं उसको। बहुत मन पे पत्थर रख के बेचूंगा, क्योंकि वो गाड़ी एकदम ही अलग है यार। बाकी फॉर्च्यूनर तो रहेगी रहेगी टिल द टाइम मैं LC से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता हूँ कि हाँ इसको लेके मैं तोड़ सकता हूँ। तोड़ता तो नहीं हूँ भाई गाड़ी। चलो अभी सबसे पहले घर चलते हैं।
मैं तो ऊपर भी नहीं जा रहा, मैंने कहा जल्दी जल्दी गिरा दो। ऑलरेडी हम अपने स्केड्यूल से लेट चल रहे हैं, फिलहाल 12 बज रहे हैं और हमें 2 बजे मिलना है और इसके बाद हमें बैंक जाना है। अरे आप नीचे क्यों आए, मैं तो यहाँ पे आ गया था। थैंक यू आप आ रहा हूँ मैं ना। इसी फोन में आपको वो जो सामने HDFC बैंक दिख रहा है ना, आज से करीबन 6-7 साल पहले ये मेरा ऑफिस हुआ करता था। यहाँ पे एज एन एम्प्लॉई आता था मैं और हर दिन सुबह यहीं पे आता था और मुझे पता है कि यहाँ पे गाड़ियाँ उठती हैं, इसलिए मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया। और तब मेरे पास फोर्ड फीगो और यहाँ पे मैंने विटारा ब्रेज़ा ली थी अपनी, मतलब मेरे पास फोर्ड फीगो, विटारा ब्रेज़ा, ब्रेज़ा के बाद XUV 500, 500 के बाद XUV 500 के बाद थार, XUV 700, फॉर्चुनर, BMW और आज फाइनली LC। चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हुई है ना लास्ट के कुछ सालों में, ऑल थैंक्स टू यू गाइज एंड आप लोग का बहुत प्यार, सपोर्ट और हर चीज़ रहा। तो अभी जा रहे हैं इसी बैंक में, थोड़ा सा कुछ काम है, बैंक की फॉर्मेलिटीज़ भी तो बहुत सारी होती है ना, तो वो सारी चीज़ें निपटा के फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे LC उठाने। भाई हमने सोचा था कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बट फिर भी लग ही गया। चलो अब फटाफट सीधे यहाँ से निकलते हैं, सीधे चलते हैं जहाँ हमें जाना है। तो अभी मैं ना रितेश और अभी को बता रहा था कि यही मेरा पहले वाला बैंक था और पीछे ना, पीछे साइड बैक एंड पे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सैलरी में था ना, तो हमारा फ्रंट कस्टमर इंटरेक्शन नहीं होता था, मोस्टली कॉर्पोरेट से इंटरेक्शन होता था, उनके HR, MD, CFO इन सब से, वो पीछे बैठते थे, मेरी सारी टीम भी यहाँ पे ही बैठती थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, कोविड में जब नोटबंदी थी ना, तो मतलब मैंने वो सिचुएशन में इस बैंक में हैंडल किया, इतने लोग रहते थे, इतने लोग आते थे, जो लोग परेशान थे वो सारी चीज़ें, बैंकर्स पे इतना लोड था कि भाई मैंने कॉर्पोरेट्स में जा जा के ना 2,000 रुपये के नोट्स आए थे, तो एक दिन में 2,000 रुपये एक बंदा ले सकता था, तो उसको 2,000 या 4,000 कुछ ऐसा था कि अकाउंट से, तो मशीन ले जाके लोगों को वो कैश भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत बार टेलर पे भी हेल्प की है। मतलब बैंकिंग 12 साल की जो बैंकिंग है ना, मतलब हर एक जगह थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया हुआ, तो वो एग्जैक्टली बैंकिंग में काउंटर काउंटर का काम सीखा हुआ और देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ। उस समय कभी सोचा नहीं था यार कि लाइफ में कभी ऐसे आप 2.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी कभी अफोर्ड कर पाएंगे, और 2.5 करोड़ की तो एक है अगर सारी गाड़ियाँ भी मिला दें जो अभी फ़िलहाल अपने पास है, तो ऑलमोस्ट हो जाएंगी 2.5, 3, 4, मतलब 4.25 लाख रुपए की गाड़ी, मतलब सारी वेन्यू मिला दें, फॉर्चुनर, BMW और ये सारी चीज़ें मिला दें, तो फिर कभी सोचा नहीं था। बट हाँ ठीक है, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड एंड आप लोग का बहुत प्यार एंड सपोर्ट रहा, तो जैसा चल रहा है आगे चल रहा है एंड यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ से और आगे बढ़ते जाना है। भाई हम नॉर्मली एज यूजुअल टाइम के पंक्चुअल हम आ चुके हैं और अभी बैठे हैं, ठीक है। अभी जो हमारे बैंकर वाले भाई है ना, पैसे तो उनको देने हैं ना, बैंकर वाले भाई आए नहीं। तो भाई आपने तो गाड़ी डिलीवरी के टाइम पे शायद देखी होगी, बट मैंने ये गाड़ी चलाई भी है और मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि मैंने ये गाड़ी क्यों सेलेक्ट की। उस गाड़ी के साथ ना करीबन बहुत सारी और गाड़ियाँ खड़ी है जो उससे 3 गुने प्राइस की हैं, तो जो बंदा इतनी महंगी गाड़ियाँ लेता है ना, हमेशा उसकी केयर ना बहुत अच्छे से करता है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा कि मेरे पास ना डीलरशिप के भी बहुत ऑप्शंस थे कि ये यूज्ड कार, वो डीलरशिप, मुंबई, नागपुर, दिल्ली में LC खड़ी है, मैंने क्यों नहीं ली। भाई डीलरशिप हमारे पास ना, आई एम इनटू दिस बिजनेस ऑफ डिटेलिंग, मेरे पास जो गाड़ियाँ आती हैं, जो प्री ओन्ड गाड़ियाँ, भाई मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में फ्लॉज होते हैं और वो ना नॉर्मल पब्लिक चेक नहीं करती, तो डीलरशिप में मीटर बैक का टेंशन, ये सब चीज़ दिखा देंगे कि भाई हिस्ट्री कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये नहीं है। एक जेन्युइन ओनर, स्पेशली इतना बड़ा जिसका रेपो है, वो ये सारी काम नहीं करेगा। हम मिल रहे हैं शिवम भैया से और शिवम भैया ने अपनी स्टोरी बताई। एक बार मैं शिवम भैया एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप फिर बताओ कि ये LC आपने कब ली और कैसे, क्या था कि ये LC ही ली उस समय आपने? So basically I bought it exactly a year back. It was my dad's birthday. So 18th of Feb, that was the day I took the delivery. So it was a lovely car to have. I had the old LC as well. I got the whole modification done, the kit and everything. So I was waiting for this car. So when I got the opportunity to have it, I went all in. And it is a car which you can take anywhere and everywhere, like I said. Yeah. And it won't stop you from literally taking it to mountains,
to desert to even snow. I'll be taking it across length and breadth of the country. People like you will actually explore the car. Actually, we drive it on the highways. Yes. We like to buy the car, but mostly our drives is on the highway. Yes. Go to Delhi or even if out of the city, it's mostly highways. Mm. But it was a great experience to have the car, and I would suggest everyone, if you have the opportunity, buy a vehicle like this and. आपके पास तो रोल्स रॉयस मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट बट एलसी आपने बहुत कम चलाई. एलसी मैंने बहुत कम थोड़ा इसलिए चलाई बिकॉज माय डैड डजंट सेल्फ ड्राइव. हां सो इन द बैक सीट कंफर्ट वो थोड़ा सा लैक करती है 200 से थोड़ा लैक करती है. हां बट ड्राइविंग सेल्फ ड्राइव एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट. इज समथिंग डिफरेंट यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स या किसी और गाड़ी में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं. तो भैया बता रहे थे कि जब उन्होंने एलसी स्टार्टिंग में ही बुक की थी और फिर उन्होंने वेलफेयर ली, फिर एक बुकिंग कैंसिल की एंड फिर गाड़ी मिल नहीं रही थी, तो उनको भी जैसे मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था ना, जब मैंने जिससे बात की, जब मिली नहीं मुझे, ठीक है. बट एक सबसे बड़ा रीज़न जैसे मैंने भले बताया, ही ओन्स सो मेनी कार्स, मतलब मैं अगर नाम गिनवा लगूँ तो शायद लिस्ट कभी कंप्लीट ही ना हो. चार चार फॉर्चुनर एक टाइम पे, ही ओन्स सो मेनी कार्स. जिस दिन मैंने गाड़ी पहली बार देखी थी ना अनिरुद्ध भाई के साथ, उस दिन आधे रास्ते में मैंने डिसाइड कर लिया यही गाड़ी आएगी घर. डीलर्स से क्यों नहीं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. एंड somebody who is so passionate about cars ना, उसको पता है कि गाड़ी कैसे रखनी है. एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मतलब वो ना उससे ज़्यादा अच्छी पूरे इंडिया में अभी एलसी नहीं है. और मैं आपको बताऊँ कि गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी मात्र 4000 किलोमीटर चली है, ओनली 4000 किलोमीटर्स. So that is the best thing. चलो एल्स को तो फर्क भी नहीं पड़ता था, 40 भी चलती तब भी नहीं. The way the car is kept here and जितने अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखा गया है ना, वो देख के उस दिन मैं कायल हो गया. तो अभी हम बैंक वाले का फिर भी वेट कर रहे हैं एंड जो उनको टाइम दिया था वो अभी तक टाइम पे पहुंचे नहीं. 1 बजे का टाइम दिया था मैंने उनको जबकि मुझे 2 बजे मिलना था और अभी ऑलमोस्ट 3 बजने वाले. चाय पीते हैं और बैंक वाले का वेट करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते हैं और फिर यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं. भाई अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5 और अभी भी हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ बची हुई थी, जो पेपर वर्क है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी से नंबर उतरना है, नंबर आना है, मतलब वो नंबर की वजह से भी थोड़ा सा ये है, हॉचपॉच सा है. बट ठीक है, फाइनली इसको कर रहे हैं एंड होपफुली भाजी कितनी देर और सर, बस अभी टाइम बस होने वाला है, बस होने वाला है. ऐसा करके 2 घंटे निकल गए बस होने वाला है. चलो कोई नहीं, अभी हो जाए यार. भैया फॉर्चुनर अपनी जा रही है अभी ऑफिस में क्योंकि थोड़ा काम था रितेश को, और बाकी अपनी भाई एलसी उधर खड़ी है. अभी थोड़ी देर में विकास ये अभी पेपर वर्क कर रहे हैं वो फाइनल करके, फिर हम लोग एलसी उठा करके जाने वाले हैं भाई घर. गाड़ी की डिटेल भर दो, मैं खाली फॉर्म मैं वो भर देता हूं ना गाड़ी का. तो फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गए. बहुत देर तक शिवम सर के साथ बात करते रहे, बहुत सारी चीज़ें बात की, बहुत सारी चीज़ें पता चली. बाकी आज एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यही गाड़ी पहले नज़र में मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि यही वाली चाबी घर लेके जानी है. तो वैसे तो ये गाड़ी मैंने एक बार चलाई थी यहाँ पे एंड अभी पहला क्रैंक स्टार्ट करते हैं गाड़ी को एंड आगे निकालते हैं. वेरी एक्साइटेड. वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग मैसिव कार, सीट ऊपर करते हैं. LC is an LC.
एंड स्पेशली समबडी हु लाइक्स टू ड्राइव. एग्जैक्टली. मैं पीछे नहीं बैठ सकता. अच्छा, मैं पीछे बैठ के मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक और वॉमिटिंग जैसा आता है. दिस कार इज गोइंग टू कवर ऑल द हाईवेज ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. यार abroad next year, most likely next year. भाई अभी हमने जी वैगन एक ना सौरभ भाई ने जो हमारे साथ जिनका टिकट जी वैगन ली फिर रेंज ओवर स्पोर्ट के 2 करोड़ में रेंज ओवर स्पोर्ट्स आ जाए. मैंने कहा नहीं मुझे LC ही चाहिए. कंपैरिजन नहीं है. जी अब यहाँ से सीधे चलते हैं सबसे पहले ऑफिस. एंड ये थोड़ा स्पोर्ट्स मोड भी देख रहा था मैं इसका. चलेगी तो स्पोर्ट्स मोड पे ही ना. बाकी काफ़ी अच्छा रहा. और एक और चीज़ पता चली है वो ग्रेजुअली इस वीडियो में नहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. बट ओ माय गॉड बोलो अंबे बात की जय. बहुत ही तगड़ी फीलिंग है. वो चीज़ जो इतने सालों से सोचा था आज जाके सच हुई. और शिवम भाई से बहुत देर तक बात की यार, बहुत देर तक. अच्छा एक चीज़ बताऊँ तो देखो ये पन्नी भी इसकी ना, ये सारी पन्नी भी लगी हुई है. और एक और चीज दिखाता हूँ. एक बार कैमरा मुझे देना. आप कहोगे ना कि भाई गाड़ी कितनी चली थी आपकी, ये देख लो गाड़ी इतनी चली है 4400 किलोमीटर. हाँ अब आपको ना इस व्यू की आदत डाल लो क्योंकि अब ये वाला व्यू आपको मिलने वाला है. हाँ टोयोटा का लोगो तो सेम है बट टोयोटा की बेस्ट गाड़ी फिलहाल अपन ड्राइव कर रहे हैं. मात्र 4000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है. तो आप समझो कि इंजन भी नहीं रमा है इसका, मतलब इतनी नहीं है अभी. इसमें ना इसमें पन्नी लगी हुई है. यहाँ पे देखो ये दिखाओ, ये सारी ना पन्नी भी नहीं उतरी है. ये सारी पन्नी भी हम उतारेंगे क्योंकि इस पर हम अच्छे तरीके से इंटीरियर्स पे भी पूरा PPF करेंगे. इसको मतलब आप समझ सकते हो यार कि क्या प्यार है इससे, क्या क्या फीलिंग रहेगी. और मेरे को अभी एक चीज पता लगी थी कि आपने बोला ये गाड़ी अभी आपने खरीद ली और आप पहली बार ये गाड़ी चला रहे थे. मैं पहली बार, हाँ यही गाड़ी मैंने, इसके पहले मैंने कभी LC ना चलाई. LC चलाई नहीं है आपने? LC देखी भी नहीं, सामने बस ऑटो एक्सपो में देखी थी, दैट्स इट. इसके पहले मैंने कोई LC, भाई ये गाड़ी ही नहीं है तो चलाऊंगा कहाँ से. इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 120 गाड़ियां के करीब आई थी और वही है. और अभी पता नहीं कि इसकी बुकिंग कब खुलेगी. अभी भी बोल तो रहा हूँ कि गाड़ी में इंसुलेशन ऐसा है कि बाहर की आवाज़ नहीं है यार. हाँ और साला 3.3 लीटर का V6 इंजन चला रहे हो आप, 300 BHP, साला 700 Nm टॉर्क. 700 Nm टॉर्क, वो कहते हैं ना बिग डैडी ऑफ ऑल SUVs. ये है ड्राइवर्स के लिए बनी, आप इसको ले जाओ. दुनिया जब ख़त्म हो रही हो आपको एक गाड़ी चाहिए ना जो आपको आखिरी टाइम तक के लिए चाहिए, ये वो गाड़ी है. थैंक यू भाई इतने सारे कैमरे मैं तो देख के भाई ये तो मुड़ भी नहीं रही है मेरे से. अभी इसको मोड़ने में नहीं, अभी किसी को नहीं बताया मैंने, किसी को नहीं बताया अभी तो इसकी पूजा देंगे बता दो. हाँ वो अभी इसीलिए अभी किसी को नहीं बताया. बाकी अभी सबसे पहले यहाँ पे लेके आए क्योंकि हमारी कर्मभूमि तो यही है. अच्छा इसमें सीट आगे पीछे भी होता है ये मेरे को अभी पता चला. और ये पानी का दाग है वो हम अभी क्लीन कर देंगे. भाई कैसी लगी सबको? बढ़िया. कैसी लग रही है? दानव लग रही है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. थैंक यू भाई, थैंक यू. ये ड्रीम था. X5 तो काफ़ी मतलब इसका बोनट का साइज देख के ना भाई इस पर PPF कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है? कर देंगे, समदुल कह रहा है कर देंगे तो कर देंगे भाई. पहले तो सबसे पहले मतलब इसकी पूजा वूजा करते हैं. मेरे को ना अभी चलाने में ना थोड़ी मेरी फट रही है, मतलब अभी ना थोड़ा डायनेमिक्स का आइडिया नहीं है. जैसे फॉर्चुनर स्टार्टिंग में लेके आया था ना एग्जैक्टली वैसे ही. तो ये तो चढ़ने के बाद तो देख बहुत छोटी लग रही है मैम आप इससे. गाड़ी बहुत बड़ी हो गई. आप कैसा एक्सपीरियंस बताइए? बहुत बहुत प्यारी है, अभी सब देखेंगे इसमें धीरे धीरे करके. वेरी ब्यूटीफुल कार यार. उधर से भी खुलती है, उधर से भी खुलता है, ये सेम मतलब एक एक ये देखो बस वो विकास का हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा पीछे से हिस्सा हो जाएगा इस गाड़ी में आधा आधा. इसको डिक्की बोलते हैं. नहीं लगेगी, नहीं लगेगी. अरे इसमें तो मैं पूरी सो जाऊंगी, इतनी बड़ी है ये.
ये लड्डू के लिए कितना इंतजार किया आपने इस लड्डू को खाने? ये लड्डू का टेस्ट ही अलग है भाई, बूंदी के नहीं है, पता नहीं किस चीज़ के हैं इसका टेस्ट सबसे डिफरेंट है भाई। तो अब जूते पहन लेते हैं, ठीक है। पूजा होगी, जो पहली राउंड ऑफ पूजा थी ना, जो गाड़ी घर पे आती है ना, तो हम पूजा करते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू एवरीवन, आप में से सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड, मेरे टीम मेंबर्स, सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, और फाइनली आज हमने अपनी ड्रीम कार अपने ही स्टूडियो में लेके आए और वहाँ पे उसकी पूजा की। अब देखो, इसका डिलीवरी व्लॉग शायद आपने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि ये हम डिलीवरी लेने वाले हैं 6th को, और 7th को मेरी रात में फ़्लाइट है। अब मैं वियतनाम जाऊँगा नहीं जाऊँगा वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट मोस्ट लाइकली मैं नहीं जाऊँगा। हम नहीं जाओगे, मुझे पता है नहीं जाओगे। मोस्ट लाइकली मैं नहीं जाऊँगा, और 5th से 2-3 दिन हम जब इसमें PPF वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी इस गाड़ी पे PPF वगैरह नहीं है, वैसे तो गाड़ी चली नहीं है, मैंने सारी चीज़ें चेक करके ली थी। तो जब PPF हो जाएगी तो ये गाड़ी पूरे इंडिया और अगले साल हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी घूमें, ठीक है। तो कर देते इस ब्लॉग को ये भी ख़त्म। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत सारे ट्रिप्स होने वाले हैं इससे।